दिमागी सदमे की वजह से इन पर पैरालिसिस का अटैक हो गया। पैरालिसिस?
ये कैसे हो गया? ये ठीक तो हो जाएंगे ना? मुझे बहुत अफसोस है, इनका मर्ज हमारे बस से बाहर है। इन्हें अब दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। अब तो सब कुछ भगवान के हाथ है। हाँ, अब उसी से अपने सुहाग की भीख मांगूंगी। डॉक्टर साहब, मेरी एक मदद कर दीजिए। मैं इसे बेचना चाहती हूँ। आप मंगलसूत्र बेचेंगे? इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। रुपयों के बिना मैं नहीं, यहाँ से कैसे ले जाऊँ? नहीं नहीं, इसे आप अपने पास रखिए, रुपए आपको मैं दिए देता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, मैं किसी का एहसान नहीं लूँगी। पर इसमें एहसान की क्या बात है, इंसान ही तो इंसान के काम आता है। फिर जब आपके पास होंगे मुझे लौटा दीजिएगा। दिल छोटा मत करो, तुम अच्छे हो जाओगे। मैं अपनी जिंदगी के बदले भगवान से तुम्हें मांग लूंगी। जगह जगह जाकर उसे पुकारूंगी, उसे तुम्हें वापस करना ही होगा। तुम जरूर अच्छे हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे। बता तू कहाँ है।
बता तू कहाँ है दुनिया के मालिक, बता तू कहाँ है दुनिया के मालिक, बता तू कहाँ है। ये बद्री के बच्चे ने अच्छी यात्रा करा दी। वो तो अच्छा ही हुआ, वरना तुम कहाँ यात्रा करने वाले थे। उसका नौकर आ रहा है। राम राम शेठ। राम राम। राम राम। जरा एक तरफ आओ जी। आओ जी। भैया सर छुपाने के लिए यहाँ कोई जगह मिलेगी? जगह यहाँ कहाँ जगह मिल सकती, यहाँ कोई जगह नहीं। मेरे पति बहुत बीमार हैं, वो चल भी नहीं सकते, सिर्फ उससे बचने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। देखो वो रस तो उसके पास एक बैलगाड़ी पड़ी है, उसके नीचे जाके आराम से पड़े रहो। और सुनो वहाँ बहुत बड़े आदमी आकर ठहरे हैं, कोई शोरगुल मत करना।